Hello everyone, welcome back to my channel Learners Point. So today I'm going to share you teaching and non-teaching recruitment from the Central University. Various positions जो है इन्होंने announce की है and दोनों position काफी अच्छी है, teaching की field में भी and non-teaching की field में भी. Qualification as per the post रहेगी and salary का structure जो है वो as per the UGC norms के according रहेगा. And इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी recruitment process है direct basis पे है एंड क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है सो इसमें जो भी सैलरी का स्ट्रक्चर रहेगा वो काफ़ी अच्छा भी है एज पर द सेंट्रल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर नोटिफिकेशन लाइक दिस. सबसे पहले तो यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल देख लेते हैं. सब्जेक्ट्स अप्लाइड साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन. टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट है 17. तीनों लेवल पर जो है इन्होंने वैकेंसीज अनाउंस की है लाइक असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर. एंड वैकेंसी जो है अनाउंस की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु. सबसे पहले तो ये टीचिंग पोस्ट है एंड उसके बाद में जो है इन्होंने जनरल डिटेल दिया है कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करना है आप लोगों को एंड लास्ट डेट रहेगी 19th of March. एंड इसमें एक काफ़ी अच्छा सिलेक्शन प्रोसीजर रखा है एज पर द यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग. जहां पर इन्होंने एनएक्सचेयर प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग जो है कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे. एप्लीकेशन फीस रहेगी 500 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड 750 फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. एंड जो भी प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन का ऑनलाइन बेसिस पे रहेगा. पे ऑनलाइन का इन्होंने कुछ डिटेल जो है वो प्रोवाइड किया है एंड अदर कुछ स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किए हैं लाइक किस फील्ड में क्या डिज़ायरेबल रहेगा सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग. और यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की है कि आपका स्पेशलाइजेशन जो है सब्जेक्ट्स में इस तरह से रहना चाहिए. सो काफ़ी क्लियर फॉर्मेट है इनका एंड उसी के साथ जो भी पोस्ट है पोस्ट के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिफिकेशन रहेगी. लाइक प्रोफेसर है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हाई लेवल पे रहेगी एंड एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो कंपलसरी है. मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसी के साथ. PhD जो है वो मैंडेटरी रहेगी क्योंकि प्रोफेसर की पोस्ट है एंड उसके बाद में नेट जो है वो भी इसमें कंपलसरी रहेगा. अगर आपने PhD 2009 in 16 के नॉर्म के अकॉर्डिंग किया है तब आप नेट से एग्जम्प्ट हैं. एसोसिएट प्रोफेसर इसमें भी PhD जो है वो कंपलसरी रहेगी क्योंकि इन्होंने पूरा क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कर लिया. PhD डिग्री शैल बी मैंडेटरी सो उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने क्वालिफिकेशन सेट किया है. एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है उसमें रिक्वायर्ड रहेगा मिनिमम. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट पोजिशन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पर जो है एग्जम्पशन इन्होंने प्रोवाइड किया है एज पर द UGC नॉर्म्स मास्टर डिग्री एंड नेट अगर कोई है कैंडिडेट या फिर PhD है तो वो अप्लाई कर सकता है. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD मैंडेटरी नहीं है. एंड उसके बाद में अदर इन्होंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. एंड लास्ट में इन्होंने जो है नेक्स्टर भी प्रोवाइड किया है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बिफोर अप्लाइंग आप इस तरह से जो है नेक्स्टर के अकॉर्डिंग अपना स्कोर चेक कर सकते हैं. उसके बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं और स्कोर के अकॉर्डिंग आप जो है पूरा प्रोसीजर चेक करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं. सो ये फॉर्मेट जो है वो भी काफ़ी क्लियर फॉर्मेट है एंड काफ़ी डिटेल में इन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है एनएक्सचर की रिगार्डिंग. सो वो इस PDF में आप चेक कर सकते हैं. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका डिटेल जो है वो प्रोवाइड किया है. सो नेक्स्ट वैकेंसी टीचिंग पोस्ट ही है इसमें एंड समर्थ पोर्टल जो है इसमें मेनली इन्होंने यही किया है कि समर्थ पोर्टल रहेगा इनका. एंड फर्स्ट इसमें सेपरेट की है वैकेंसी कॉमर्स, हिस्ट्री एंड फिजिकल एजुकेशन. ये डिफरेंट वैकेंसी है बट टीचिंग से ही रिलेट है एंड सेम प्रोसीजर रहेगा इसमें भी एंड क्वालिफिकेशन भी सेम रहेगी एज पर द पोस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट एंड असिस्टेंट. एंड नेक्स्ट चलते हैं नॉन टीचिंग वैकेंसी की तरफ. यहाँ पर सेम यूनिवर्सिटी रहेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की तरफ से ही है ये वैकेंसीज एंड 4 इन्होंने वैकेंसीज अनाउंस की है. नेम ऑफ द पोस्ट आप देख सकते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर एंड पर्सनल असिस्टेंट. पे मैट्रिक लेवल काफ़ी अच्छा है 7 CPC के अकॉर्डिंग
एज पर द यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। क्वालिफिकेशन की तरफ चलते हैं तो पहली पोजीशन है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन थोड़ी सी चेंज रहेगी, 55% होने चाहिए कंपलसरी मास्टर्स में, एंड उसी के साथ मास्टर्स होना चाहिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, एंड एज लिमिट रहेगी इसमें 40 ईयर्स। एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार यहाँ पर भी मास्टर्स जो है वो कंपलसरी है 55% के साथ। मास्टर डिग्री जो है वो किसी भी फील्ड से हो सकती है, क्योंकि इन्होंने कोई स्पेसिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया है। सेक्शन ऑफिसर यहाँ पर भी इन्होंने जो है थोड़ी से इन्होंने क्वालिफिकेशन को कम किया है, लाइक इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एंड उसी के साथ जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन असिस्टेंट, एंड प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एंड पर्सनल असिस्टेंट यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन रहेगी, एंड प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टाइपिंग में, एंड उसी के साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन स्टेनोग्राफर। तो ये तो है जनरल डिटेल, एंड उसी के साथ किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं उसका पूरा इन्होंने जो है पूरा डिटेल में जो है इस PDF में इन्होंने डिटेल प्रोवाइड किया है। लाइक आप अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप मेन वेबसाइट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की तरफ जा सकते हैं, एंड कैरियर्स में जाते ही आप जैसे ही देखेंगे वहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज इन्होंने अनाउंस की है, लाइक डिफरेंट वैकेंसीज गेस्ट फैकल्टी की रिगार्डिंग एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोजिशन ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट, एंड मेनली इन्होंने 3 वैकेंसीज जो है वो हाईलाइट की है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के रिगार्डिंग। तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसके साथ ही आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट या फिर अगर गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।